जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये देखिए मरचाहवा जाता है कुशीनगर जिले के खड्डा ब्लॉक में पड़ता है और ये शिवपुर से मरचाहवा को कनेक्ट करता है। ये मेन रास्ता है जो कि संपर्क मार्ग को जोड़ता है और इसके जस्ट बगल में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ बगल में देखिए कटवासी स्थान है, माँ दुर्गा का स्थान है, कटवासी स्थान है, सामने दिख रहा होगा। और जस्ट मेरे साथ थोड़ा सा आप लोग आ जाइए और मैं कुछ बहुत बड़ी चीज़ें दिखाने का आप लोगों का प्रयास करूँगा। किस प्रकार से जनप्रतिनिधि और जो कि इंजीनियर और ठेकेदार और किस प्रकार से इन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। आ जाइए थोड़ा सा। और देखिए ये पुलिया आप लोगों को दिख रहा होगा, पुलिया पर जरा सोचिए किस प्रकार से कितना बड़ा जो कि भ्रष्टाचार किया गया है। इसका अप्रोच नहीं बना गया अभी तक। और इस जो कि ड्रेनेज सिस्टम में देखेंगे आप तो जो नहर है इसमें करीब जो कि 4 या 5 जो है कि पुलिया बनाया गया है, वो भी सब पुलिया जो कि ध्वस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। कुछ पुलिया तो पानी में तब्दील हो गया है। अब मेरे साथ आ गया अशोक जी और करीब तो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कितना बड़ा इस पर जो कि देखिए कुछ बच्चे भी ऊपर बैठे हैं और कितना बड़ा इस पर भ्रष्टाचार किया गया, इधर दिखाइए। और इस पे जो कि शिलापट अगर लगा रहता तो हमें पुष्टि होती कि कितना कौन सा समय जो कि इसे बनवाया गया, मगर शिलापट कहीं वगैरह नहीं लगा जिससे हम जानकारी देने में साझा करने में आप लोगों को असमर्थ है। और देख सकते हैं बीच में जो कि नहर के बीच में पुलिया लगाया गया, देखिए इधर भी देख सकते हैं। और इस रास्ते में करीब मैं फिर बोल रहा हूँ 4-5 पुलिया बनवाया गया है पूरा मिलाकर, और चारों पांचों पुलिया में कोई चलने योग्य नहीं। ये सब पुलिया जो कि पानी में कुछ तब्दील हो गया, कुछ क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ का तो अप्रोच बना ही नहीं गया। और देखिए समय से पूर्व जो कि किस प्रकार से ध्वस्त हो गया, इधर दिखाइए थोड़ा सा और ये देखिए और इधर थोड़ा दिखाइए, देखिए किस प्रकार से। और जो कि नदी पार रेता क्षेत्र में इसी प्रकार से प्रतिदिन भ्रष्टाचार के नाम पर किस प्रकार से नेता जनप्रतिनिधि कुछ अधिकारी गण भी लूटते हैं, मैं इसलिए सक्षम बोल रहा हूँ कि इस पर निष्पक्ष जांच बैठनी चाहिए। देखिए और ये देखिए किस प्रकार से, पता नहीं कितना एक का सीमेंट इसमें लगाए गए होंगे कि समय से पूर्व जो कि ध्वस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। देखिए और मैं ऊपर से भी चलकर दिखाने का प्रयास करूंगा। और इन सब चीज़ों को हमें लगता है पूर्व में निष्पक्ष अगर जांच बैठा होता तो अभी तक जो कि कार्रवाई जो बनवाए हैं उन लोगों के ऊपर कहीं से कहीं कार्रवाई जो कि हो गया होता। मगर देखिए किस प्रकार से प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है जिस वजह से जो कि यहाँ पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रहा। और ऊपर से भी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे हम, थोड़ा सा हेल्प करवाऊँ और थोड़ा सा अशोक जी आप ऊपर आ जाइए। और देखिए देखिए यहाँ पर देखिए शिलापट का स्थान, देखिए यहाँ पर शिलापट लगाया गया था मगर जो कि शिलापट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, यहाँ पर शिलापट नहीं दिख रहा है। अगर इस शिलापट लगा रहता तो इसमें पता चलता कि इसका कार्य योजना में क्या क्या मतलब दर्शाया गया, किसके द्वारा जो कि शिलान्यास किया गया है, कौन जो कि ठेकेदार इसको बनवाया, सब चीज़ें दिखता। मगर जो कि ना लगने से यहाँ पर कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, पता नहीं किस सन में जो कि ये पुलिया को बनवाया गया था। और कहीं ना कहीं इंजीनियर भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और भ्रष्ट प्रशासन इन सभी लोगों के मिली भगत से आम नदी पार रेता क्षेत्र में जो योजना आती है कहीं ना कहीं खपत की जाती है, इन सभी लोगों को मिलजुल कर एकता बनाकर खपत कर देते हैं और आम जो नागरिक हैं उन लोगों के पास जो सरकारी योजनाएं हैं पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब कर देती है इसी वजह से। और देखिए किस प्रकार से असुविधा हो रही है, देखिए मेन रास्ता है, देखिए दिखाई पड़ता है, देखिए रास्ता कनेक्ट है और रास्ता जो कि आएगा तो डायरेक्ट इस पुलिया पर आएगा। जहाँ सोचिए इस पुलिया किस प्रकार से आएगा, इधर करीब होकर दिखाई देता सुनिए, लेकिन ना अप्रोच बनाया गया है, रास्ता में किस प्रकार से कनेक्ट होगा जरा सोचिए। और ये सब चीज़ें दिखाने में सच्चे पत्रकार ईमानदार पत्रकार के ऊपर FIR हो जाता है और सच्चे और ईमानदार पत्रकार जो है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के शिकार हो जाते हैं और ये सब चीज़ें दिखाते हैं। तो आम लोगों की आवाज़ उठाना कितना बड़ा पाप है जरा सोचिए आप लोग। तो निवेदन है जो सच्चे पत्रकार और ईमानदार पत्रकार हैं उन लोगों को सपोर्ट कीजिए और सहयोग कीजिए, निवेदन आप लोगों से, तब जाके नहीं तो आम लोगों की बातों को उठाना बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा कुछ दिन के बाद से अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो। तो सच्चे ईमानदार पत्रकार को आप लोग सपोर्ट कीजिए और आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके भी गांव में इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए या जितने आप लोग के क्षेत्र में ईमानदार पत्रकार हैं उनसे संपर्क कीजिए और आप खुद आवाज़ उठाना जो है कि शुरू कर दीजिए। मैं एक और बात आपसे बोलना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सरपंच के खिलाफ, प्रधान के खिलाफ, जो कि सदस्य के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता हो, जरा सोचिए क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और प्रशासन के खिलाफ क्या आवाज़ उठाएगा। तो आप अभी से अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाना शुरू कीजिए, छोटी छोटी समस्याओं को दिखाने का प्रयास कीजिए जिससे वहाँ के जो कि लोग जागरूक होंगे और कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाने का प्रयास करें। तो निवेदन है और इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस पर निष्पक्ष जांच बैठना चाहिए कि नहीं, इस पर भी क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। नदी पार रेता क्षेत्र में जहाँ पर स्थायी पक्का पुल नहीं है इसी वजह से जो कि यहाँ पर जो योजना आती है कहीं ना कहीं मिलजुल कर खपत कर ली जाती है।
तो निवेदन है यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं सभी लोग से निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर यहाँ पर स्थायी पक्का पुल बनने का जो कि जो हम लोग का लक्ष्य रखे हैं बन जाएगा, निवेदन है। बाकी कुछ लड़खड़ाहट आ रही है, मैं भी सीख रहा हूँ अभी, तो आप लोग के सपोर्ट से हम भी सीखने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर हमें पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए। अंत में यही सब कहूँगा, जय जवान जय किसान।